हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का मौसम बहुत ही सुंदर और अच्छा है, तो मैं सोचा कि कुछ आपके लिए एक कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करूं। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो बहुत ही आप लोगों के लिए मोटिवेशनल हो सकता है, इंस्पिरेशनल हो सकता है। इसे आप अपने मन के अंदर ग्रहण करने की कोशिश करें। सबसे प्रथम बात, एक कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक समय की बात है, एक जगह का एक राजा था। उसके पास सभी चीज़ें थीं, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस एक चीज़ की कमी थी कि उसके पास संतान सुख नहीं था। तो उसके पास संतान सुख नहीं था तो वो बहुत ही विचलित रहा करता था। तो उसने सोचा कि मैं अपने ही राज्य से अपने ही उत्तराधिकारी को लाऊँगा। तो उन्होंने अपने राज्य में एक समाचार फैलाया कि जिस बच्चे के पास वो काबिलियत होगी जो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तो एक दिन सभी को उस राज्यसभा में बुलाया गया, सभी बच्चे वहाँ उपस्थित हुए, सभी को एक गमला और कुछ बीज दिए गए। उस गमले और कहा गया कि आप इसे छः महीने तक इसको पालन पोषण करेंगे और जिसका पेड़ बहुत ही अच्छा होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तो सभी को वो पेड़ वितरित हुए। तो जब वो बीज 6 महीना तक सभी बच्चों ने उसे पालन पोषण किया और उसी में एक बच्चा था जो पूरे 6 महीना तक उसका पालन पोषण किया, लेकिन उसका पेड़ नहीं बढ़ पा रहा था। वो बच्चा हताश निराश हो गया और अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे ये पेड़ क्यों नहीं बढ़ रही है? उसकी माँ कहती है, बेटा तुमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ। उस बच्चे ने ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य किया और उस कर्तव्य कार्य को करने के बाद जब वो 6 महीना पूर्ण हुआ तो वो राज्यसभा में पहुँचे सभी बच्चों के साथ। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो राजा ने पूछा उस बच्चे से कि तुम्हारे पैर क्यों नहीं बढ़ा। तो उसने ईमानदारी पूर्वक सारी बात बताई कि महाराज, मैंने इसकी पूरी अच्छी तरीके से देखभाल की, समय पे पानी दिया, वर्षा भी हुई, सब कुछ मैंने किया, लेकिन ये मेरा फल फूल नहीं दे पाया। तो उस बच्चे के ईमानदारी को देखकर महाराज ने कहा कि हाँ, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। इसका अर्थ है, इस कहानी का मूल अर्थ यही है कि आपको अपना कर्म करते जाना है। उस कर्म में आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि उसमें फल होंगे नहीं होंगे, इस आसक्ति के पीछे मत रहिएगा। आप अपना कर्म करते जाइए, फल होंगे नहीं होंगे वो बात अलग की बात है। गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतु भुमा माते संगो असत्व कर्मणि। यानी कि श्री कृष्ण बोले हैं कि आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, उसके फल में कोई आसक्ति आपकी नहीं होनी चाहिए, होना ना होना वो आपके कर्म पर निर्धारित है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, हम आपको ऐसे वीडियोस और लाते रहेंगे और अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ खास आने वाली है, तो हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहें। धन्यवाद, शुभ दिन।